भारत देश आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 13 अगस्त से प्रारंभ हुए हर घर तिरंगा के तहत संपूर्ण देश में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। विकास खंड के दमुआ नगर पालिका में भी स्थानीय नंदन खेल मैदान से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि डीजे के राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ वार्ड क्रमांक 7 मुख्य बाजार क्षेत्र जामई मार्ग होते हुए नगर पालिका कार्यालय परिसर पहुंची, जहां पर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान कर आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा का समापन किया गया एवं बच्चों को मिष्ठान का वितरण किया। इस दौरान यात्रा के दौरान भारत माता जय एवं तिरंगे झंडे की जय घोष लगाए गए। आयोजित तिरंगा यात्रा में नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलबाके, उपाध्यक्ष गंगाधर बालस्कर, नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत, थाना प्रभारी उमेश मार्को, CMO DP खंडेलकर सहित स्थानीय आम नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। अमृत उत्सव के अवसर पर नगर पालिका दमुआ द्वारा नंदन ग्राउंड से नगर पालिका तक गंगा रैली निकाली गई। इस रैली में सभी लोग उपस्थित रहे। आज गंगा रैली के माध्यम से हमारा देश प्रेम जागा है और जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उसके प्रति उनका सहज और उनके प्रति आस्था हो, इसी मैं कामना करता हूँ। और इस तिरंगा यात्रा में सभी लोग शामिल हुए, उनका धन्यवाद करता हूँ। के अंतर्गत आज नगर पालिका दमुआ के द्वारा नंदन ग्राउंड से वापस नगर पालिका तक रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य था देशभक्ति को जागृत करना और सभी बच्चों में देश प्रेम को उत्साहित करना। अमृत महोत्सव के अवसर पर जो एक सप्ताह 11 तारीख से 17 तक मनाया जाना है, तो आज 13 तारीख को शासन के निर्देशों के पालन में शहर के प्रत्येक घर पर हमारा देश की शान, हमारा देश का गौरव झंडा, तिरंगा झंडा फहराया जाना था। तो आज दमोह शहर में पूरे 7,000 घरों में तिरंगा वितरण किया गया। सभी ने आज अधिकांश 90% लोगों ने अपने अपने घरों पर झंडा फहरा है। एक देश की शान है और सभी नागरिकों में देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पालन में ये रैली नंदन ग्राउंड से नगर पालिका तक निकाली गई थी और बहुत ही मतलब आनंदमय वातावरण में ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। सभी का, नागरिक बंधुओं का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ।